हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ करंट अफेयर को सॉल्व करेंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 2019 से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आपके मंडी परिषद और आपके पुलिस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसके लिए आपका ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला कह रहा है, वह शहर जहाँ प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन हैं और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। राइट इसका जवाब है आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना। 11 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया है। यह संस्थान 25 एकड़ क्षेत्र में कुल 289 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि आपका संस्कृत मंत्रालय के तहत पुरातात्विक शोध और भारत में संस्कृत विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समिति द्वारा प्रस्तावित राइफल निर्माण इकाई है, अगर अभी अभी आपकी हाल ही में राइफल निर्माण इकाई स्थापित की गई है, ये आपकी कौन सी है जो कि प्रस्तावित है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-47 राइफल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। यह राइफल विनिर्माण इकाई भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से स्थापित की जाएगी। इस अमेठी विनिर्माण सुविधा में नवीनतम 200 श्रृंखलाओं की विश्व प्रसिद्ध कला श्रीकोव जो कि कह सकते हैं AK-47 हमला राइफलें निर्मित की जाएंगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1949 में राइफल्स को सोवियत सशस्त्र बलों के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वह सुरक्षा बल जिसके द्वारा यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, यहाँ पर कौन सी बल ने अर्थात कौन सी रिजर्व पुलिस ने या मतलब किसने किया है। चार आपके ऑप्शन हैं और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलते हैं इसका आंसर यहाँ पर शो करते हैं और इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है यमुना एक्सप्रेस पर। 4 मार्च 2019 को केंद्रीय औद्योगिक बल ने यमुना एक्सप्रेस पर सबसे लंबी चलती लाइन साइकिल परेड का आयोजन किया है। यह साइकिल परेड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किसने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि आपके CIFS के 50 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसने यह एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान में CISF जो कि परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवनों, विरासत स्मारकों की सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। तो किसने किया, आपके केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा जो कि आपका CISF है, इसने आपका ये जो परेड लॉन्च की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी पहल की गई है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपका फर्स्ट होगा उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर दिया है कि 12 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ावा देने हेतु सारथी संध्या वाहिनी मिशन की शुरुआत की गई। सारथी संध्या वाहिनी वाहन विभिन्न वृत्तचित्रों और फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्तिष्क सूजन से संबंधित इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है,
वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह आपका कौन सा है? तो आपकी ये राज्य सरकार है। आपकी आंसर भी देख लीजिए और आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत तक पहुंच बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण और प्रचार के माध्यम से पुनर्जीवित करना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस परियोजना के तहत दुर्लभ और पेचीदा गेहूं डंडल शिल्प, सुप्रसिद्ध चिकनकारी और जरी जरदोजी के कपड़े, जटिल और तेजस्वी सिंह और हड्डी के काम को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है? और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहां पर देख सकते हैं किसके सहयोग से खोला गया है। तो 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र उद्घाटन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया है। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठा केंद्र है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। इसका नाम आपका दे दिया गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र रखा गया है, ठीक है ना। अर्थात ये आपका इस सार के माध्यम से रखा गया है। और वर्तमान समय में यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है वह भारतीय एथलीट जिसने 24 घंटे की स्टेडियम रन में 176.8 किलोमीटर की दूरी तय कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है, ये किसने स्थापित किया गया है? चलिए यहाँ पर आंसर को शो करते हैं और आंसर यहाँ पर है आपका, देख सकते हैं कि किसने किया है, आपके अपूर्वा चौधरी ने, ठीक है। 19 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के 28 वर्षीय अल्ट्रा रनर जो कि अपूर्वा चौधरी ने भारत के एथलेटिक्स फेडरेशन के तहत नई दिल्ली में आयोजित महिला स्पर्धा की 24 घंटे की श्रेणी में 176.8 किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 175.4 किलोमीटर का जो पिछला रिकॉर्ड था वो आपका किसका था? मीनाल कोटक द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है वह राज्य जिसके हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो हेल्प अस ग्रीन स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, ये देख सकते हैं किसके द्वारा, ठीक है ना, किस राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर चार ऑप्शन है और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका कौन सा दिया गया है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं। तो 13 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी निकले कचरे को पुनः रिसाइकलिंग कर उपयोग लायक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आधारित स्टार्ट हेल्प अस ग्रीन को सम्मानित किया। यह स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के मंदिरों से हर रोज स्टार्टअप द्वारा कुल 8.4 टन पुष्प अपशिष्ट एकत्र किया जाता है। देख सकते हैं कि हर रोज 8.4 टन पुष्प एकत्रित किया जाता है और इन फूलों को जो कि कह सकते हैं फार्च साइकिलिंग प्रौद्योगिकी माध्यम से चारकोल मुक्त धूल, कार्बनिक वर्मी कंपोस्ट और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन करने के लिए पुनर्नवीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन हमारा का 10 कह रहा है आपसे कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया है, ये देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने और उनके अधिकारों के लिए मुखर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार के महिला कर्मचारी को महिलाओं के संबंध में केंद्र और राज्य की योजनाओं के प्रति जागरूकता किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले और राज्य स्तर के ब्लॉक स्तर पर 11 सदस्य दल का गठन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह शहर जहां देश का प्रथम हाथी समर्थित
विशेष अस्पताल खोला गया है। ये देखिए देश का पहला आपका समर्थित विशेष अस्पताल खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है रांची, मथुरा, शिमला, मदुरई। तो ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा होगा, मथुरा, जो कि आपके यूपी में पड़ता है। तो देखते हैं इससे जुड़े आपका क्वेश्चन क्या है कि हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के चुनुरा गाँव में खोला गया है। यह सुविधा केंद्र वन्य जीव SOS द्वारा स्थापित किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वन्य जीव SOS एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में हाथियों को बचाने और पुनर्वास करने के उद्देश्य से की गई थी। यह वर्तमान में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े वन्य जीव संगठनों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही करंट अफेयर अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लाए जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है वह शहर जहाँ देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल को स्थापित किया गया है। तो वह शहर जहाँ देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल को स्थापित किया गया है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, वाराणसी, कोलकाता, विशाखापट्टनम और मुंबई। आंसर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, लेकिन इसके बारे में समझ लीजिए कि आपका 13 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी गंगा तट पर देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। विश्व बैंक वित्तीय सहयोग से संचालित इनलैंड जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित यह जलमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम 4 बहुमॉडल टर्मिनल से प्रथम है। जलमार्ग विकास परियोजना में 3 बहुमॉडल टर्मिनलों का निर्माण, एक आपका दिया है वाराणसी, ठीक है, कमा साहिबगंज और हल्दिया, और आपका दूसरा टर्मिनल दिया है तो 2 इंटर मॉडल टर्मिनल और 5 रोल ऑन रोल आप रोरो टर्मिनल, अर्थात आपको ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदार के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की गई है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित विकसित करने की सहमति प्रदान की गई है, ये कहाँ पर की गई है? देख सकते हैं यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं और राइट इसका जवाब क्या हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका आंसर शुरू करते हैं। आपका ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर सभी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है 9 नवंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत हवाई अड्डों को संचालित और विकसित करने की सहमति प्रदान की है। इन हवाई अड्डों में अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु शामिल है। यह ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डे PPP मॉडल के तहत प्रतिबंधित किए जा रहे हैं और भारत विमानपत्तन प्राधिकरण को मौजूदा तंत्र के तहत इन हवाई अड्डों में सबसे ज़्यादा आमदनी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है? चार ऑप्शन है और देख सकते हैं आपका जो दिया है इलाहाबाद, एकाना स्टेडियम लखनऊ में जो है, मुजफ्फरपुर नगर आपका है और बरकतुल्लाह खान स्टेडियम कौन सा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर शो हो रहा है, ये आपका दिया है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ का आपका जो एकाना स्टेडियम है। तो कह रहा है 5 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा गया है। यह क्रिकेट स्टेडियम वर्ष 2017 में नवनिर्मित किया गया था जिसमें 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत व्यवस्थित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है वह शहर जहाँ दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देख सकते हैं आपका जो दीपोत्सव हुआ है आपके कहाँ पर हुआ है, चार ऑप्शन है और इसका आंसर तो आपका होगा अयोध्या में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं उससे जुड़े क्वेश्चन आपके और भी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया और इस अवसर पर 6 नवंबर 2018 को धनतेरस के अवसर पर सरयू नदी के किनारे कुल, यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाख से अधिक मिट्टी के दीपकों को प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या दीपोत्सव 2018 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्ध परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े
IHFF दिल्ली मेले का आयोजन हुआ है। ये आपका कहाँ किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो सबसे बड़ा मेला है आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है और राइट इसका जवाब देखते हैं कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आपका जो जवाब है ये आपका है विश्व का सबसे बड़ा मेला, आपका पढ़ते हैं यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद देश में हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय है जो कि हस्तशिल्प के निर्यात का संवर्धन संरक्षण रखरखाव और वृद्धि को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। और 14 से 18 अक्टूबर 2018 के मध्य हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नोएडा में, कहाँ पर, नोएडा में विश्व के सबसे बड़े IHFG दिल्ली मेले का आयोजन किया गया, कहाँ पर, नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों, ठीक है, वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों हेतु क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ये आपका उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए है जो कि क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है, और ये जो स्थापित किया गया कहां पर, आपके चार ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर आंसर इसका भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है कि 23 जुलाई 2018 को भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेल के कर्मचारियों की विशेष योग्यता और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, कहाँ पर, गाजीपुर में क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। यह प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं, एक उन्नत मॉडल छात्रावास, कंप्यूटर कक्ष और आपका कैफेटेरिया और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि वह भारतीय शहर जहाँ नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं और राइट इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं चार ऑप्शन, ठीक है, और राइट इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये आपका जो किया गया लखनऊ, ठीक है ना। तो 22 जुलाई 2018 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, अर्थात नाबार्ड के पूरा नाम द्वारा, पूरा नाम आपका ये, ठीक है, और ये स्थापित किया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। और इसका उद्देश्य सरकारी, निजी, वित्तीय और गैर सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों द्वारा समेकित जलवायु कार्यवाही को तेज करना है। यहाँ पर 9 नंबर आपका आ गया है। वह बहुउद्देशी प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना किया है। तो देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई है, और ये कौन सी है, आप लोगों ने इसका आंसर पढ़ भी लिया होगा और जानते भी होंगे, ये आपकी सैमसंग इकाई है। तो देख सकते हैं इससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 जुलाई 2018 को दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी कंपनी सैमसंग ने नोएडा उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापना की है। भारत में यह विनिर्माण इकाई सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को सालाना 12 करोड़ इकाई अर्थात एक महीने में 10 मिलियन फोन उत्पादन में सक्षम करेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स देश में यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रही है, कितने लोगों को, तो 70,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रही है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और हमारे कुल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है, आपके यूपी से रिलेटेड। आपको बता दें यूपी की करंट अफेयर इतनी आसानी से आती नहीं है, ठीक है ना, तो आपको कलेक्ट करके यहाँ पर लाना पड़ता है। एक दो करंट अफेयर, दो तीन करंट अफेयर आपके मंथली में मिल पाते हैं, ठीक है, वही कंबाइंड करके आपको यहाँ पर समझा दिया जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना, इसका भी आंसर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा, जो कि 96 किलोमीटर, कितना, 96 किलोमीटर लंबा नियंत्रित पहुँच एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली में मेरठ के साथ भारत में गाजियाबाद में दसना के माध्यम से जुड़ता है। यह परियोजना दिल्ली से मेरठ तक यात्रा के समय को केवल 60 मिनट तक कम कर देगी। यह परियोजना कुल 4 चरणों में प्रस्तावित है। यहाँ पर देख सकते हैं चरण आपका फर्स्ट है निजामुद्दीन ब्रिज, जो कि दिल्ली यूपी सीमा है, इतने किलोमीटर। दूसरा चरण है दिल्ली यूपी सीमा दसना में है। तीसरा आपका हापुर है और चौथा आपका है मेरठ में। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में 20 करंट अफेयर आपने यहाँ पर देख लिया। 20 करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण थे और जो हमने 20 करंट अफेयर बताया है लगभग आपके यहाँ पर 10 करंट अफेयर आपके 2019 से हैं और आपके 10 करंट अफेयर आपके किसके हैं 2018 के हैं, लेकिन आपके 2019 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और हमारे चैनल पर हिंदी संपूर्ण की जो लिस्ट बना दी गई है संपूर्ण हिंदी टेस्ट की, तो उसको भी धीरे धीरे सॉल्व करते रहिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।